2020 तो वैसे ही गुजर चुका है, लेकिन अगर 2019 की बात करें तो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में दो नई कंपनी ने इंटर किया। अब एक कंपनी के बारे में तो मैंने बहुत बार बात कर ली है, लेकिन अब दूसरी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी कंपनी का नाम बता दो, वो है किया। अब किया को आपने कहीं ना कहीं रोड पर तो देख ही लिया होगा, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुन भी लिया होगा। वो कंपनी इतने कम समय में कैसे इतना सक्सेस पा सकती है? उस कंपनी को आप गाड़ियों की रियलमी भी बोल सकते हो। जैसा रियलमी ने इंडियन मार्केट में सक्सेस हासिल करी थी, उसी टाइप से ये गाड़ियों में किया वाले सक्सेस हासिल करते जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे, कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, वो इस वीडियो में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से नए वीडियो में। किया वालों ने जब मार्केट में इंटर किया तब उनको इतना कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो पेरेंट कंपनी है हुंडई, वो ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल थी और साथ ही में इंडिया में उनका अच्छा खासा बड़ा मार्केट हुआ करता था। अब उनको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम नहीं आई, बाद में उनको सर्विस सेंटर लगाने में या फिर उनके शोरूम लगाने में ज़्यादा दिक्कतें वगैरह नहीं आई। साथ ही में उनके पास अच्छा खासा बजट था, क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत ही बड़ी है दूसरे देशों में। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो उनके पास ये सॉल्व हो गई। फिर दूसरी बात आती है इसके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। उन्होंने तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाई कि इंडियन मार्केट में किसको कैसी गाड़ी चाहिए, और 2019 के आसपास अगर उन्होंने प्लानिंग करी होगी कि उनको कैसी गाड़ी चाहिए, तो उनको लगा कि कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो उन्होंने एक कॉम्पैक्ट एसयूवी को लॉन्च कर दिया, और लॉन्च भी उसी समय किया जब क्रेटा को कंपनी वाले अपग्रेड करना चाहते थे और साथ ही में उसका नया जनरेशन लाने वाले थे। तो लोगों ने क्रेटा की तरफ जाना बंद कर दिया, क्योंकि क्रेटा अब नई जनरेशन में आने वाली थी। इसलिए तो आपने देखा होगा कि क्रेटा की पिछले साल थोड़ी सेल्स जो थी वो डाउन होती चली गई थी। 12-13 हज़ार बिकती थी, तो वो लगभग 8-9 हज़ार 7 हज़ार के आसपास आ गई थी। लेकिन उसी वक्त किया ने सेल्टोस को लॉन्च कर दिया और सारी सेल्स ही सेल्टोस खींच कर ले गई चली गई, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि ये गाड़ी जो है वो हुंडई क्रेटा जैसी ही है और उसमें अच्छे खासे चीज़ें आपको मिल जाती है। अब गाड़ी तो उन्होंने उस सेगमेंट की लॉन्च कर दी। अब फिर एक और दुखती रख पकड़ ली, वो है फीचर्स। वो सेगमेंट में उतने फीचर आज तक कोई गाड़ी अभी भी नहीं देती है, सारे फीचर्स उन्होंने दे दिए। साथ ही में उसके इतने सारे वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए कि कोई भी बंदा किसी भी टाइप की गाड़ी देख रहा हो तो वो उसके कवर में कर लेगा। जैसे मैं बताऊँ तो आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक में भी ऑप्शन चाहिए तो आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक में भी ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ ही में अगर आपको डीजल ऑटोमेटिक में भी ऑप्शन चाहिए तो आपको डीजल ऑटोमेटिक में भी ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 से 4 टाइप के ऑटोमेटिक सिस्टम आते हैं। फिर अगर बात करूँ तो प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा सही रहेगी। 10 लाख के अंदर इसका बेस वेरिएंट जाता था और 17-17.5 लाख तक इसका टॉप वेरिएंट जाता था। यानी कि प्राइसिंग के मामले में ये नीचे जो सब 4 मीटर की एसयूवी आती है उनसे टक्कर लेती थी, और अगर टॉप एंड की बात करूँ तो ये हैरियर एक्सयूवी जैसी गाड़ियों से टक्कर लिया करती थी। तो इतना सारा प्राइस रेंज खींचने के बाद में ये गाड़ी जो थी वो लोगों के बहुत ज़्यादा रेंज में आने लग गई। कोई भी लोग अगर इस गाड़ी के बारे में देखता था, उसको ख़रीदने की सोचता था, तो उसके ज़रूरत के हिसाब से इसका कोई ना कोई वेरिएंट तो सामने आता ही था। लगभग 20 से भी ज़्यादा वेरिएंट इस गाड़ी में लॉन्च करे गए थे। फिर 1-2 महीने तक इस गाड़ी की जो पब्लिसिटी थी वो अच्छी खासी करी गई, फिर भी इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं करा गया था। फिर जब इसको लॉन्च करा गया तब इसको कंपनी वालों ने पूरी तरह से नोटिस किया कि हाँ इसमें सर्विस अपन अच्छी देंगे, तो उन्होंने सर्विस को भी अच्छी देने के लिए अपने बहुत सारे सर्विस नेटवर्क खोल दिए इंडियन मार्केट में। फिर उनको भी अच्छे खासी ट्रेनिंग वगैरह दी गई और बाद में उनकी सर्विस को भी काफ़ी अच्छा किया गया। फिर उन्होंने एक और गाड़ी लॉन्च करी अपनी MPV सेगमेंट में, वो गाड़ी भी उस सेगमेंट में काफ़ी धमाल मचा चुकी है। यानी कि 35 लाख के अंदर उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा फीचर दिए हुए हैं, और उस 35 लाख के सेगमेंट की गाड़ी वो टोयोटा वेलफेयर और मर्सिडीज़ बेंज की वी क्लास के साथ कंपटीशन कर लेती है, और वहाँ पर भी लोगों ने उसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद किया उन दोनों बड़ी गाड़ियों के हिसाब से, क्योंकि वो उनकी प्राइसिंग की जस्ट हाफ हुआ करती थी। फिर इन्होंने तीसरी गाड़ी को लॉन्च करा, वो है सोनेट। अब सोनेट भी एक सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और उन्होंने सेम स्ट्रेटजी अपनाई, वो भी अच्छी खासी पकड़ के साथ में किया सेल्टोस वाली, ज़्यादा फीचर दे दिए, ज़्यादा रेंज दे दी, इसके बाद में देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दी, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करी गई। तो हाँ, ये इन छोटे मोटे रीजंस की वजह से जो थी ये कंपनी ज़्यादा हिट हो गई और इसीलिए सक्सेस पा रही। अब बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो आकर इंडियन मार्केट में पहले तो अच्छी खासी गाड़ी लॉन्च कर देती है, फिर वो उनकी गाड़ी फ्लॉप हो जाती है। बहुत सारी इंडिया में इस्टेब्लिश कंपनियां होती है, वो भी अगर कोई गाड़ी लॉन्च करती है
फिर भी वो भी फेल जाती है। और रीज़न क्या है कि वो ज़्यादा ऑप्शन नहीं देते, एक दो इंजन दे दिए और साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन दे दिया और गाड़ी को लॉन्च कर छोड़ दिया। अब गाड़ी को लॉन्च करने के साथ में आपको उसमें ऑटोमेटिक भी देना होगा, पेट्रोल भी देना होगा, डीजल भी देना होगा, अगर हो सके तो हाइब्रिड भी आपको देना होगा, तब जाकर लोगों को आपको अच्छे खासी प्राइस ब्रैकेट में आप उसको पकड़ पाए। अगर गाड़ी के अंदर बहुत सारे फीचर है तो एक ऐसा वेरिएंट भी होना चाहिए जिसमें खाली नेसेसरी फीचर होने चाहिए, लोग को लगे कि हाँ ये फीचर बहुत है हमारे लिए और इस वेरिएंट को हम खरीद लेते हैं। तो किया वालों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर ली और आगे शायद से वो इसी टाइप से काम करते रहे और जैसा दूसरे देशों में उनकी गाड़ियाँ होती है वैसी इधर भी लेकर आए वो, जैसे अपनी उनकी सेडान हो गई, हैचबैक वगैरह हो गई, खाली एसयूवी ही इंडिया में नहीं लाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कीप ऑन जाना, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friend.